हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं खाना बना रही हूँ तो ईशु को बोल रही हूँ, टाइम नहीं बता सकती हूँ कि घड़ी में सेल नहीं है, सेल बंद पड़ी है घड़ी दो दिन से। परसों भी कल मैंने बताई थी, शायद कल बताया था कि परसों से बंद पड़ी है। ईशु को मैं बोल रही हूँ, सेल तो ले आया ईशु लेकिन सेल डाला नहीं है। मेरा नहाना धोना सब हो गया है, पूजा वूजा सब हो गई है और मैं बना रही हूँ खाना। ईशु तुम सेल डाल दो ताकि हमें टाइम का पता चल सके। तो इधर मैं पत्ता गोभी निकाल के ले आई हूँ, पत्ता गोभी की सब्जी बनाएंगे। लहसुन प्याज सब कट गया है, टमाटर और ओरियो मस्त बाहर धूप में बैठा है, दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए ओरियो मस्त धूप में, सुबह सुबह की धूप में आराम से चारपाई पर बैठा है, चारपाई पर धूप ले रहा है। अच्छा बच्चा बन गया, शांति से अपनी पेडिग्री खा के, चॉइस्टिक खा के और आराम से मस्त मैंने यहाँ बैठा दिया। तो यहाँ बैठ, उधम मत कर बस। यीशु क्या कर रहे हैं ये देखिए, लाइट जला देते हैं तब आपको यीशु से मिलाते हैं। यीशु बोलिए हाय बोलो या राधे राधे बोलो। राधे राधे। हाँ राधे राधे। यीशु बाबू घड़ी में सेल डाल दो। ठीक है, अब यीशु घड़ी में सेल डालेगा और मैं खाना बना लूं, फिर मिलते हैं। इसी पे चढ़ के पहुंच जाएगा अभी तक है। हाँ? नहीं है अभी, नहीं अब नहीं होगी, छपकली से बहुत डर लगता है इन लोगों को। नहीं है, नहीं है, निकाल निकाल ले। ठीक है सेल डाल दे और मैं अभी मोबाइल में से टाइम बताती हूँ और टाइम लगा के और ऊपर वही टांग देना। ठीक है अब मैं खाना बना लूँ। तो ये फ्रेंड्स खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और जो बर्तन बर्तन हो जाते हैं वो भी साफ कर दिया था। सारा काम करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। यीशु तो अभी तक आराम कर रहा, अभी नहीं है अभी बस लेटा आराम करने के लिए। अभी तक ये अपने ड्रॉइंग कर रहा था, बना रहा था कुछ। और मैंने क्या किया, मैंने ये बनाई है, देखिए ये सुंदर सी एक और ठाकुर जी की मैंने ड्रेस बनाई है। और ये किसके लिए बनाई है बता देती हूँ। कल जब हम आ रहे थे ना, वो स्कूटी चलाने गए थे, यीशु को सिखाने गई थी, तो रास्ते में हमारी कॉलोनी में ही एक छोटा सा मंदिर है तो वहाँ लड्डू गोपाल जी देखे मैंने। और वो गुलन की नहीं पहने थे ड्रेस, वैसे ही पहने थे जो होती है, जो गर्मियों में भी पहनाते हैं, जो होती है उनकी ड्रेस जो होती है ना पोशाक, वो ही पहने थे। तो मैंने कहा उनके लिए फिर मैं बना दूंगी और मैं अभी जा रही हूँ उनके लिए, उनको ये पहनाने के लिए। देखते हैं उनको आती है कि नहीं, अंदाजे से बनाई है, उनको आती है कि नहीं आती है नहीं पता। सुंदर लग रही है ना, बड़ी सिंपल सी बनाई है मैंने, फिर भी बहुत सुंदर लग रही है। छोटी सी बनाई है, छोटे से ही दिखाई दिए थे मुझे, जैसे मेरे लड्डू गोपाल है बस थोड़े से एक नंबर बड़ा होगा उनका। तो चलते हैं और उनको पहना के आते हैं। ये है वो बहुत सुंदर वाला मंदिर, यहीं मैं आई हूँ पहनाने के लिए, यहाँ रखी है। ये छोटे से ही है लड्डू गोपाल, मैंने बड़ी बना दी है। पहना देती हूँ, ये मैंने पहना दी, छाए आ रही है, ये देखिए सुंदर लग रहा है। तो मैं दूर से दिखाई देख रही थी तो बड़े से दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तो मेरे लड्डू गोपाल से भी छोटे हैं। चलो कोई बात नहीं, जय हो। यीशु पहना के आई हुई ड्रेस गरम जो मैं बनाई थी, और लड्डू गोपाल हमारे से भी छोटे निकले और ड्रेस मैंने बनाई बड़ी, हमारे से भी छोटे, पर मैं पहनाई आई, बनाई उन्हीं के नाम से तो मैं पहनाई आई। अब पहनने वैसे पहने थे वो, एक पहले से गरम पहने थे, वो मार्केट की थी, कोई था नहीं, मैं अकेली पहनाई आई और आगे घर पे बड़ा अच्छा सा लग रहा है पहना के आ गई तो। और बड़े छोटे से निकले, दूर से मुझे लग रहा है मेरे से बड़े हैं। इन भाई साहब का हो गया है अब घूमने का टाइम, तो ये कर रहे हैं उधम। हाँ इतना उधम करेंगे, इतना उधम करेंगे, कितना उधम करोगे घूमने के लिए, घूमने जाना है, अच्छा घूमी घूमी करनी है। और इनके पापा आ चुके हैं, पहले पापा को चाय बना दो, है पापा को चाय बना दो। अरे 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 अरे
चाय, पापा को चाय नहीं पीने दोगे? कैसे बच्चे हो तुम? तुम कैसे बच्चे हो? पापा को चाय नहीं पीने दोगे? अब पहले घुमाने ले जाए। अब पापा आ गए तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि बस तुम्हारे लिए आए हैं। बेचारे पहले पानी पिएंगे, चाय पिएंगे। हाँ, इधर बैठे हैं पापा। पापा का नाम लो तो पापा की तरफ देखने लगता है। इधर बैठे हैं ना पापा। हाँ, अरे और भाई पापा के ऊपर ही चढ़ जाएगा क्या? ऐसा नहीं करो भाई। पापा को चाय पी लेते तब तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। हाँ, जरूर ले जाएंगे। अरे भाई ले जाएंगे। हाँ बैठ जाओ, तुम अपने बिस्तरे पे बैठो, वो तुम्हारा बिस्तरा है, बैठो उस पे। तुम तो क्यूट बॉय हो, क्यूट डॉग हो, क्यूटी क्यूटी पाई, कितना झारा क्यूटी है ये। चलो बैठो, मैं चाय बना दूं, है ना। अरे अरे ऐसे नहीं करते, हाथी पकड़ लिया देखो। हाँ ले जाएंगे भाई, ले जाना इसको, ओरियो को ले जाना घुमाने। हाँ मैंने बोल दिया, पापा से बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब ले जाएंगे जरूर। बस एक कप चाय पी लें दो। अरे मेरा बच्चा है, और तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो। अब मैं चाय बना रही हूँ, वो अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर हुई है आए हुए। मैं जब मंदिर गई थी ना वो पहनाने के लिए पोशाक, तभी वो आ गए थे। तो अब मैं चाय बना दे रही हूँ, और ये दूध में ही बस खाली पत्ती और थोड़ी सी चीनी, चीनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, उससे सुनते हैं मोटे हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा चीनी से। और डालेंगे मसाला, तो जल्दी जल्दी हम चाय बना करके उनको देते हैं, फिर ले जाएंगे वो ओरियो को घुमाने के लिए। फिर मैं बनाऊंगी रोटी, सब्जी तो मैंने दिन में ही बना दी थी, सुबह बनाई थी पत्ता गोभी की, वही रखी है, तो बस रोटी बनानी है। तो जी अभी रात के बज गए हैं 10, और यीशु जाग रहा है और मैं जाग रही हूँ, और यीशु के पापा सो चुके हैं। खाना पीना सब हो गया है हम लोगों का, और वो अपना उन्होंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम किया और फिर वो सो गए। उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, इतनी जल्दी मुझे नहीं आती है। वो तो उनका क्या है कि वो लेटे बिस्तर में और उनको नींद आई, और मुझे लेट के थोड़ी देर लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है तब नींद आती है थोड़ा सा। यीशु तुझे भी आ जाती है जल्दी? इसको भी नहीं, वो बहुत जल्दी सोते हैं, तो वो सो चुके उधर दूसरे कमरे में। नींद नहीं आती होता? हाँ नींद नहीं आती, ये रात भर जगता ही रहता है, तो ये नींद नहीं आती। ये देखो ऐसा कोई होता है कि रात भर जगता रहे? ऐसा नहीं कोई होता। और ओरियो को भी हमने अपने ही कमरे में सुलाते हैं उसको, तो मैं उसको भी अपने कमरे में करके आई हूँ सेट, कि यहाँ पे तू सो जा, उसकी गद्दी उसका चादर सब बिछा दिया है। और मैं थोड़ी सी रोटी भी रख देती हूँ उसके पास, क्योंकि वो रात में खाता है, मैंने नोटिस किया वो रात में खाता है, तो रात में खाने के लिए मैं रोज रख देती हूँ। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और हाँ मैं आप सभी का दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और जो लोग रोजाना मेरी वीडियो देखते हैं, अपना कीमती समय मेरे लिए रखते हैं, 10 मिनट का टाइम रोज मेरे लिए जो देते हैं ना, उनका दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ। और आज की वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और कल की वीडियो देखी आपने ओरियो की, इतनी तेज रफ्तार थी, मैंने स्लो में करके डाली, देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत तेज भागता है हमारा ओरियो। और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो मेरी जरा सी भी पसंद आती है ना तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। इसु बाय बाय। हाथ करके बंद करते कैसे करना?